नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 आज का एजेंडा को लेकर हाजिर, मैं हूं निहार कमेश्वरी। हम दरअसल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हादसे की खबर के साथ। दुखद हादसा हुआ है आस्था के पर्व छठ पर। इस मौके पर बिहार में तमाम जगहों पर हादसे की खबरें आ रही है। सबसे बड़ा हादसा जो हुआ है वो समस्तीपुर पर हुआ है। समस्तीपुर से जो खबर ये है कि छठ घाट से लौट रही 6 महिलाओं की ट्रेन से कूदकर मौत हो गई है। वहीं दूसरा हादसा मुजफ्फरपुर में हुआ है। बिहार के अलग अलग इलाकों से हादसे की खबरें सामने निकल कर आ रही है छठ के त्योहार पर। मुजफ्फरपुर में 8 बच्चे तालाब में डूब गए, 2 बच्चों का शव बरामद हो चुका है, 3 बच्चों को जिंदा निकाला गया है, बाकी बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। तो खगड़िया में भी 3 बच्चे तालाब में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम बच्चों की तलाश कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह छठ के मौके पर मातम पसरा है। पहले भी छठ समेत तमाम त्योहारों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि त्योहारों पर हादसों से सबक कब लेंगे हम? कब तक लोग यूं ही मरते रहेंगे? क्यों पूरी तैयारियां नहीं होती है? बिहार के समस्तीपुर में मातम जो है वो ये है कि 6 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। रामभद्रपुर स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में 6 महिलाओं की मौत की खबर आई है। इस हादसे से नाराज लोगों ने स्टेशन पर जमकर बवाल किया है। ये वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये हादसा क्यों है वो भी आपको बताते थे। छठ पूजा के लिए तालाब पर बना घाट ट्रेन के ट्रैक के पास है। यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रैक को पार करना पड़ता है। यहाँ के लोग रेलवे को इसकी जानकारी भी दे चुके हैं कि कोई घटना घट सकती है, लेकिन रेलवे ने कोई इंतजाम, प्रशासन ने कोई इंतजाम किए ही नहीं, जिसके कारण ये हादसा ऐसे हो गया। 6 महिलाओं की जान गई है, ट्रेन से कटकर इन महिलाओं की मौत हुई है। और अब खबर बिहार के सुपौल से भी। यहाँ छठ पूजा कर लौटते समय 2 गुटी आपस में भिड़ गए हैं। इन दोनों गुटों में भिड़ंत के बाद मारपीट तक हुई है। छठ पूजा करके वापस लौट रहे थे तब मारपीट हुई है। पुलिस के पहुंचने के बाद जैसे तैसे मामला शांत हुआ है। तो तमाम जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वो दुखद है कि त्योहार के मौके पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही, हादसे हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से अमित कुमार जुड़ गए हैं। उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेते हैं। अमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रशासन के इंतजाम इतने नाकाफी क्यों है? छठ तो एक बहुत ही मैसिव स्केल पर भव्य तरीके से बिहार में मनाया जाता है, उसके बावजूद भी ट्रैक के बगल में तालाब बना देना, 2 गुटों का आपस में भिड़ना, इसका मतलब यही कि कोई सिक्योरिटी थी नहीं, प्रशासन ने ढिलाई में ली सब चीजें? देखिए, सबसे अहम बात है कि जो छठ व्रत है उसको लेकर के बड़े तादाद में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं छठव्रती, अपने घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, चाहे वो घाट की बात करें या फिर गंगा किनारे नदी किनारे की बात करें। तो इसको लेकर के जो बिहार प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो लगातार दावा किया जाता रहा कि मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। कुछ जगहों पर तैयारी जो है वो पर्याप्त तैयारी देखने को मिली। बात पटना की खासतौर पर कर ले तो पटना में भी मुकम्मल तैयारी देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही छठ का जो पारण होता है, आज चूँकि पारण का दिन है और जैसे ही परिवर्तन जो है वो उगते सूरज को अर्घ देती हैं और उसके बाद वापस अपने घर जाने लगती हैं, तो वैसे ही प्रशासनिक अमले के लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं असुस्थ हो जाते हैं, लचर हो जाते हैं और उसके कारण इस तरह के हादसे जो है वो सामने आते हैं। सिर्फ बात सुपौल की नहीं की जाए बल्कि बाढ़ का इलाका है, पटना जिले में ही आता है। यहाँ पर भी 3 बच्चों की जो है वो डूबने से मौत हुई है। खगड़िया में गोलीबारी की खबर आ रही है। समस्तीपुर में जो हादसा है वो समस्तीपुर में भी हुआ। तो बिहार का कई जिला जो है जहाँ पर इस तरह की छिटपुट घटनाएँ देखने को मिल रही है,
जो खगड़िया में है वहाँ बात सामने आ रही है कि हवाई फायरिंग किया गया है जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिन्हें रेफर किया गया है इलाज के लिए अस्पताल में। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 4 दिन का जो कसरत था प्रशासनिक अमले का वो लगातार देखने को मिला, लेकिन जैसे ही छठ का जो खरना माफ कीजिएगा जो पारण है वो समाप्त हुआ और छठवर्ती अपने घर की तरफ जाने लगे वैसे ही प्रशासनिक अमले की जो तमाम तैयारी है वो अचानक से कहीं ना कहीं उसे रोक दी गई, उसे खत्म कर दिया गया और तमाम जो पुलिसकर्मी जो ड्यूटी में लगे हुए थे चाहे वो सादी लिबास में हो वर्दी में हो सभी जो है वापस पुलिस लाइन चले गए अचानक से। तो कहीं ना कहीं भीड़ जो नियंत्रित होनी चाहिए थी वह अनियंत्रित हो गई और इसी वजह से इस तरह से जो घटनाएं हैं वो एक एक करके सामने आई है। जहां तक बात आप कर रही हैं रेल हादसे की, तो रेल हादसे के बाबत हमारी बात हुई है हाजीपुर के जो CPRO हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी, सत्यता को देखा जाएगा। चूंकि लोगों का ये आरोप है, कहना है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पर यह तालाब है उसको लेकर के मुकम्मल तैयारी करने की बात कही गई थी रेलवे को, लेकिन इसके बावजूद रेलवे जो है वो ध्यान नहीं दिया, वहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ के जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं रेलवे के वो नजरअंदाज करते रहे जिसके बाद इस तरह का हादसा हुआ है। 6 महिला समेत 2 बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल जो CPRO है हाजीपुर के उनका कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी और सत्यता को खंगाला जाएगा। अगर ये बात सही पाई जाएगी कि वहाँ के लोगों ने इस बात की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी, स्टेशन मास्टर को दी, वहाँ तैनात कर्मियों को दी और उसके बावजूद भी अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई ऐसी हो कि अगले साल भी इस तरीके के हादसे ना हो, क्योंकि लगातार इस तरीके के हादसों की खबरें आती है। छठ एक त्योहार है और त्योहार पर इस तरीके के हादसे रंग में भंग डालने का ही काम करते हैं। धन्यवाद हमें पूरी जानकारी देने के लिए वहां से।